नमस्ते ब्रजेशारी वीडियो, आपका स्वागत है। आज खड़े इंडिया की फेमस हैचबैक के सामने जिसका नाम है टाटा टियागो। ये जो गाड़ी है ना भाई, एक तरह से माइलेज मशीन से कही जाती है। माइलेज का जो है ना, आज के टाइम पे टाटा सीएनजी, मतलब आज सीएनजी का दौर सा सीधा आ गया, सीएनजी का, पेट्रोल का और इलेक्ट्रिक कार का। तो ये जो गाड़ी है भाई, इतना माइलेज देती भाई, एक टू व्हीलर के प्राइस पे अपने चल सकती भाई। चाबी बात में आपको चाबी ऐसी मिलती है। ये तो वेरियंट है ना भाई, ये XM वेरियंट है भाई, ये नगर सेकंड बेस वेरियंट है। अब इसमें है ना, मतलब वैल्यू फॉर मनी चीजें है ना, सीएनजी के अंदर सारे मिल जाते हैं। सीएनजी में अपनी एक्सटी वेरियंट शुरू होती है ये वाली। और सीएनजी की प्राइस की बात करूंगा आपको, मैं इसकी बात करूंगा आपको, प्राइस आपको बताऊं, ये जो वेरियंट भाई 5 वेरियंट के अंदर आती है भाई, ये XE, XM, XT, XZ और XZ प्लस, इन वेरियंट के अंदर आती है। लेकिन ये जो वेरियंट है XM वेरियंट है और शुरू होती है अपनी है भाई 656,000 रुपए से। और ये शुरू वाला जो वेरिएंट है ना भाई, ये एक सेकंड बेस वाला वेरिएंट है इसका। इसकी प्राइस बताऊंगा आपको कितनी है कितनी नहीं है, सारी चीज दिखाऊंगा आपको। पहले ग्रिल दिखा देता हूं आपको सामने से। टाटा ने भाई ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है भाई, वेरी गुड टाटा। और क्रोम का एलिमेंट जो दिया है ना भाई, बेस मॉडल से ही आपको दे दिया गया, देख सकते हो आप लोग, बेस मॉडल से ही। और भाई मैं हूं प्रेजेंट टाटा वेलोसिटी टियागो, ठीक है। ये तो भाई एक चीज बताऊं आपको, मैं सही देता हूँ तो टाटा आप कुछ करने लगा है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, हेलोजन हेडलाइट आपको मिल जाती है, बिल पायलट लैम्प के साथ इंडिकेटर आपको मिलता है, फॉरलाइट आपको इसके अंदर नहीं मिलती, आप कंप्लीट से आप लगवा सकते हो। एरोडायनामिक का कुछ नहीं आता भाई, इसके डिजाइन आपको दी गई है। बोनट की बात करो आपको बताया, बोनट आपको कर तो अब एक ट्रेंड सा बन गया भाई, एरोडायनामिक के लिए अब कर सा बन गया है। दो वाइपर मिलते हैं, दो वॉशर के साथ काम मिलते हैं, इसके दो वॉशर भाई इसके टटोलने पड़ेंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं भाई, दो वॉशर जरूर मिलते हैं भाई आपको, सीधा वॉशर दो मिलते हैं, सीधी बात है, लेकिन अब कहीं छुपे होंगे, दो वॉशर मिलते हैं। बिल्ड सीट आपको भाई फ्लैट तार नहीं मिलता, लेकिन टेढ़ा सा आपको मिल जाता है, एंटीना आपको इसके अंदर मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम लगा है शायद, तो इसके अंदर एंटीना भी आपको मिल जाता है। साइड वाल भाई बात करूँ, साइड वाल आपको ऐसी मिल जाती है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ये मिल जाते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में, सॉरी ग्लॉसी ब्लैक बोल दिया मैंने, मैट ब्लैक फिनिश के अंदर आपको और भी मिल जाते हैं। फेंडर पर 10 इंडिकेटर मिल जाते हैं, रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं भाई ये। और भाई ये किस कंपनी के हैं, जो हाँ ब्रिजस्टोन के हैं ये। और टायर साइज की बात करूं आपको, टायर साइज का कहाँ लिखा है भाई, है 14 इंची का, लेकिन टायर साइज 14 इंची का ही है इसका। टायर साइज ये देखो 14 इंच का है, ठीक है, 14 इंची का टायर साइज है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, टाटा कप मिलता है इसके अंदर, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, 165 ग्राउंड से मिल जाता है, 70-65 समथिंग अपनी आ जाती है, ठीक है। देखो क्लाडिंग टाइप की दी गई भाई आपको, डेंट रूट से नहीं है, आपको डेंट जैसा लगता है लेकिन डेंट रूट इसके अंदर बचा लेती है अपनी क्लाडिंग, ठीक है। ये है ऐसा आपको मिलता है, रूपये इसके अंदर कोई डेंटिंग आपको मिल जाता है, ये है। थैंक्सफुली वो 50 लाख गाड़ियाँ टाटा बेच चुकी है, स्टिकर मिल जाता है आपको यहाँ पर लगा हुआ, देख सकते हो। ये है रियर प्रोफाइल की बात करूँ, रियल में आपको ऐसी मिल जाती है भाई, टियागो की बैजिंग आपको मिल जाए, चाबी लगाने स्विच मिल जाता है, टाटा का लोगो मिल जाता है, ICNG की बैजिंग मिल जाती है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपके को। और बूट खोल के देखते हैं इसका, यहाँ पे एक डमी मिल जाती है भाई, आप कैमरा कुमरा अपना यू भी लगा सकते हो। यहाँ से खोल के देखते हैं, ये देखो भाई दो सिलेंडर मिल जाते हैं इसके अंदर, दो मिलते हैं एक मिलते हैं पता नहीं, उठा के देखना पड़ेगा। हाँ भाई दो मिलते हैं, मोटर कमेटी सेटर 60 लीटर की इसके अंदर आ जाती है, और फ्यूल इसके अंदर आ जाता है भाई 8 से 9 लीटर। ये इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे भाई, कैसे बंद होगा ये, मैं करूँगा इसको, है ना, इसको एक बार बंद करते हैं, इसको उठाओ उठू के, हाँ ऐसे ही बंद होगा ये, वरना गुस्सा हो जाएगी टाटा टियागो, वैसी बिल्ड क्वालिटी इनकी ज़बरदस्त रहती है। ये भाई इसकी टूल किट रखी हुई है, ये इसका वो रखा हुआ है, ये मोबाइल किट रखी हुई है, ये कुछ बॉर्निंग लिखी हुई है अपनी को, और 205 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है भाई, ये अच्छी चीज़ है। बेंच फोल्डिंग सीट आती है इसकी, ये देखो बेंच फोल्डिंग सीट आती है, कुछ भी अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हो, ठीक है। ये है स्पेयर व्हील की बात करूँ, स्पेयर व्हील आपको नीचे तो नहीं मिल, ये नीचे ही मिलता है, देख सकते हो स्पेयर व्हील आपको नीचे मिल जाता है, हाँ भाई नीचे एग्जॉस्ट टेल पाइप, ये देख सकते हो सस्पेंशन वगैरह सारी चीज़ के अंदर विजिबल रहती है, लेकिन कवरिंग बहुत अच्छी इसके अंदर दी गई है। ये है और सस्पेंशन वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है भाई। टाटा ने कुछ तो अच्छा दिया, ग्रैप हैंडल आपको यहाँ पर दे दिया गया, बढ़िया सा वजन तो है। टेल लाइट आपको ऐसे मिल जाती है, हेलोजन में इसकी टेल लाइट मिलती है, ना रियर वाइपर मिलेगा ना डिफोकर, ICNG की बैजिंग, वोकल लोकल की बैजिंग, स्पॉइलर आपको स्पॉटेल मिल जाता है, एस्टम ये कान कून मिल जाते हैं, दो अच्छे से लगते हैं भाई ये, लेकिन ब्लैक ब्लैक टाइप के ये बहुत अच्छे से लगते हैं, बढ़िया है। विलेज आप रिफ्लेक्टर टाइप का दिया गया, लाइसेंस प्लेट नंबर दी गई, यहाँ पर लाइट लूट भी दी गई, नीचे दी गई, हाँ लाइट दी गई है। ये है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर टाइप का कुछ नहीं दिया गया, ब्लैक टाइप का अपने ये दिया गया। चलो
रियर पैसेंजर डोर खोल के दिखाता हूँ वो रियर पैसेंजर डोर के अंदर आपको क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है। भाई डोर खुलता है, डुअल टोन के अंदर डोर मिल जाता है, चार ओ हो चारों पावर विंडो लॉक अनलॉक और बैक लॉक। भाई इसके अंदर ट्विटर तो नहीं आता, शायद ट्विटर आता है कि नहीं देख सकते हैं मैं लाज जला के इसमें फोकस कर ले भाई। नहीं आता भाई ट्विटर वगैरह तो इसके अंदर कुछ नहीं आता, वोटर होल्डर आता है इसके अंदर, वो एक स्पीकर तो आ जाता है, एक स्पीकर आता है ना, ये है दिखाऊंगा आपको। हेडर्स आपको फिक्स मिल जाता है, डुअल टोन की सीट मिलती है, यहाँ बैठ के दिखाता हूँ, देखो यहाँ से ठीक ठाक है। अब इसका भाई वो दिखाता हूँ आपको भाई हेडरूम वगैरह कितना क्या कितना है। देखो हेडरूम वगैरह ठीक ठाक है भाई, ऊंचा नीचा भाई शानदार है यार। देखो पकड़ने के रेफ हैंडल यहाँ पे तो कोट पर दिया गया, लेकिन पकड़ने बेस्ट था, सही सिस्टमेटिक तरीके से दी गई भाई। हेडरूम भी ठीक है बैठने के लिए, लेग रूम भी काफी अच्छा भाई, देख सकते हो आप एक बार, लेग रूम भी ठीक ठाक अपने को मिल जाता है। ये है देखो रीडिंग लाइट आपको मिलती है यहाँ पे, यहाँ रीडिंग लाइट मिल जाती है, यहाँ ग्रैप हैंडल, अमर फराज के अंदर कुछ नहीं आता, ये ठीक है बस यही है ना। डैशबोर्ड आपको ऐसा मिल जाता है, नीचे कुछ कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे डमी पॉड मिल जाता है, यहाँ पे कोने में रख सकते हो अपने कुछ भी, तो एक दो कप होल्डर आपको मिल जाते हैं आगे। चलो इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के दिखाऊँ आपको कि ड्राइवर साइड डोर के अंदर आपको क्या क्या मिलता है क्या किया। भाई टैगोर खड़ा हुआ है, और टैगोर भाई सेडान के मामले में सीट की अलग बात है, सेडान की तो ये है। ये ड्राइवर साइड डोर, चारों पावर विंडो मैंने बोला था ना, चारों पावर विंडो, स्पीकर मिलेगा, बोटल होल्डर मिलेगा, मैक पॉकेट, और यहाँ कुछ रख सकते हो भाई, क्या रख सकते हैं, मैगजीन वगैरह रख सकते हैं अपनी, ये बोटल होल्डर के लिए कुछ नहीं। मैट प्रेस, सीट एडजस्टमेंट आपको बैक एडजस्ट कर सकते हो, टायर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये कुछ बोर्निंग मिलती है भाई, फायरिंग स्ट्रीक वगैरह की, दो पेडल मिल जाए, तीन पेडल मिलते हैं, दो एक ऑटोमेटिक ही ऐसी हो गई, यहाँ उन्हें बोटल वगैरह सकते होते हो, उन्हें रख सकते हो अपना, यहाँ से लगाते अपनी चाबी, घुस जा भाई, यहाँ लगाएंगे अपनी चाबी। चलो बैठते हैं भाई, पूरी गाड़ी एक बोसो दी गई है, मैं आपको सीधा हूँ क्या, ग्लॉसी ब्लैक बने, देखो एसी वेंट पे ग्लॉसी ब्लैक आपको मिल जाता है, देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक एसी वेंट पे, इधर भी आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है, मतलब शानदार सारी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से दी गई है भाई। हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है, फाइव स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है, 12B का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है अपने को यहाँ पे, USB पोर्ट मिल जाता है अपने को यहाँ पे, एक डमी पोर्ट मिल जाता है, ये अपने सगलो चेंज करने के लिए अपना AC का पॉइंट मिल जाता है, AC मैनुअल AC मिल जाती है, फट रहा है फर्राटा खेलती है, हाँ बिल्कुल है ना। ग्लो बॉक्स की बात करूँ, ऐसा ग्लो बॉक्स मिल जाता है बढ़िया सा, मैनुअल बुक रखी है, इधर अपने को सनसेट मिल जाता है, विंडो पर नहीं मिलता, इधर अभी कुछ नहीं, टिकट होल्डर मिलता है, एक टिकट होल्डर अपने को यहाँ मिलता है, जो भाई ये काम का चीज़ है, कुछ पेट्रोल वाले रसीद वगैरह होते हैं ना, ये अपने हिसाब से आप लगा सकते हो यहाँ पर, हिचकी आ रही भाई माफ़ करना। ये थ्री स्पोक स्टीयरिंग, हॉर्न की बात करूँ एक ही हॉर्न मिलता है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं है, हाँ भाई ठीक है। ऐसे मिलती है आपको MID, ये MID मिल जाती है अपने को, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो किलोमीटर ट्रिप पे, ट्रिप वगैरह जो अपने दिखाता है ये सब इसी में दिखाता है। ये है इसके अंदर क्या दिखाता है भाई, इसके अंदर भाई ट्रिप ट्रिप सारी वार्निंग्स में दिखाता है इसके अंदर, वेलकम फंक्शन भी इसके अंदर आ जाता है, आपको वो दिखाऊं, देखो पूरा उठता है भाई। ये है इधर लाइट के टॉगल मिल जाते हैं, इधर वाइफर का टॉगल मिल जाता है देख सकते हो, और भी हम कंट्रोल आपको भाई मैनुअली करने पड़ते हैं, देखो ये मैनुअली, यहाँ से मैनुअली करने पड़ते हैं, ऐसे रख दो वापस, हाँ भाई सही हो गया, इधर का मैनुअली है। ये है ORB की बात करूँ आपको, ऐसा ORB मिल जाता है एंटी क्लियर के साथ में, लाइट आपको यहाँ मिल जाती है, हेलोजन ही मिलती है लेकिन डोर पे कर देता हूँ उसको। ये है सीट आपको ऐसे मिलती है, आइए इसका इंजन भी खोल के दिखाता हूँ, इंजन भी कैसा क्या नहीं है, और चाबी निकालते हैं इसकी, इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम तो दिखाना ही भूल गया, अरे अरे भाई ये गलत बात हो गई, हाँ ये सपोर्ट करता है भाई USB और ब्लूटूथ सपोर्ट करता है ये वाला सिस्टम, देखो USB और ब्लूटूथ सपोर्ट करता है इसके अंदर भाई, हरमन कंपनी का आता है ये वाला भाई, आवाज़ क्या शानदार है इसके अंदर, सब सपोर्ट करता है देखो, आवाज़ वगैरह के लिए यहाँ से बोले वगैरह आप टोन करने, ट्रक वगैरह चेंज करने के लिए अपना यहाँ से अपना कुछ कर सकते हो, बैग वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ से कुछ भी अपना नॉर्मल हिसाब से आप कर सकते हो। हेडर लाइट का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, टिक टॉक CNG बटन आपको यहाँ मिल जाता है, CNG ऑफ ऑन करने का बटन, ऑन CNG भी ऑफ हो जाएगी है ना। ये है चलो इंजन भी खोल के दिखाऊंगा आपको, इंजन भी तो रह गया था भाई, मेन चीज़ तो ये रह गई थी, एक ये रह गया था, एक ये रह गई थी, ये तो रह गई थी भाई, मैंने कह रहे थे भाई बर्जेस भाई दिखाना भूल गए थे क्या। ये है यहाँ से खोल दें इसका इंजन वे, और यहाँ से खोल दें इसका पेट्रोल वे, और यहाँ से खोल दें इसका बूट वे, ठीक है ये बूट के लिए, पेट्रोल के लिए, और अपना ये इंजन के लिए। देख लिया भाई आप लोगों टाटा की गाड़ियों के लिए।
ये है, ये इंजन, इसका बूट खोला, बूट बंद, इसका पेट्रोल लीवर खोला, यहीं से आप सीएनजी भर सकते हो, देख सकते हो यहाँ से आप पेट्रोल भर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कन्वेंस चीज़ है, पेट्रोल लिख के लिखा है, सीएनजी आप यहाँ से भर सकते हो, देख सकते हो यहाँ सीएनजी भर सकते हो, 6 से 8 लीटर के अंदर सीएनजी आप इसके अंदर आ सकती है। चलो भाई इंजन भी खोल के दिखा दो, मेन तो पावर यही है। ये है भाई टाटा का रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर, जो पावर जनरेट करता 72 bhp और टॉर्क की बात करूँ 96 mm का टॉर्क जनरेट करता। माइलेज की बात करूँ कंपनी आपको 27 कंपनी क्लेम करके देती है, और सिटी के अंदर भाई ये अपने दे दो 22 से 23 का कंपनी अपने सिटी के अंदर आपको देती है। एक्साइड की आपको बैटरी मिल जाती है, ABS EBD आपको उसमें ले जाता है, ABS आपको ये मिल जाती है, ये ब्रेक वॉल के लिए, इंजन ऑयल चेक करने के लिए अपना मिल जाता है, इंजन डालने के लिए, ये वाइपर पानी के लिए, ये कूलेंट के लिए, इधर आप रेगुलेटर, ये किलोमीटर कन्वर्टर, इधर आपको ECM वगैरह मिल जाता है, फ्यूज बॉक्स इधर मिल जाता है। इंजन भी आपने देख ही लिया है कितना क्या पावर का, आपको खुद को ही पता ही वाला है। सो इंसुलेशन गत्ता वगैरह इसके अंदर दे दिया गया, इंसुलेशन गत्ता दे दिया इसमें भाई, बिल्ड क्वालिटी मान लो तो आपको बताइए टाटा कैसा गया। तो वॉशर की बात कर रहा था ना, एक वॉशर ये है, एक वॉशर ये है भाई, दो मिलते हैं ऐसी बात नहीं, नो कॉस्ट कटिंग विद मारुति एंड कंपनी, ठीक है, नो कॉस्ट कटिंग मिलता है, एक यहाँ मिलता है। एंट्री सेगमेंट कार है सीएनजी के अंदर, बट 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में अपनी आती है ना। आपको आना कहाँ है, टाटा वेलोसिटी डबरा पछोतराया, ठीक है, टियाटा टियागो 690 के अंदर भाई सीएनजी के अंदर 27 कंपनी माइलेज दे रही है आपको, तो और क्या लोगे भाई। मिस्टर मिल जाता है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं, सब चीज़ मतलब लेस आती है अपने, 4 पावर विंडो के साथ अपने, मतलब नॉर्मल चीज़ें अपनी ये तो ब्लैक हो ही जाते हैं, तो हाल हो जाते हैं अपने ग्लॉसी भी नॉर्मल चीज़ें, तो बिल के आपको लग ही जाएंगे 1500 रुपये के अंदर ये अपने मिल जाते हैं। तो कैसी लगी आपको टाटा टियागो सीएनजी, ICNG इंटेलिजेंट स्मार्ट फीचर इसके अंदर आता ICNG के साथ में, ये है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कोई बंदा कार लेना चाहता उसको शेयर कर देना भाई, सीएनजी वाली गाड़ी भी 27 का देती इसलिए आपको दिखाना चाहता था। मिलते हैं भाई, बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज सेव अस, हैव अ नाइस डे।